उत्तरकाशी जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष ने यमुनोत्री विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान के बाद यमुनोत्री विधानसभा के हर गांव से उनको भारी जन सहयोग मिल रहा है। आज मथोली, बडगोट एवं चिन्यालीसैंण में कार्यकर्ताओं ने दीपक का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दीपक विजलवाण ने कहा कि यमुनोत्री विधानसभा बदलाव चाहती है और वह रोज अपने आप से चुनाव लड़ते हैं। आज अन्य दलों के सामने ये समस्या हो गई है कि वह किसी का नाम फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से यमुनोत्री विधानसभा के लोग मुझ पर विश्वास जता रहे हैं, उनके लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। 2022 का चुनाव, 2022 विधानसभा चुनाव का भी बिल्कुल चुका है और आपने जो है ओपन चुनाव का ऐलान कर दिया है, जबकि अन्य पार्टियां जो अब तक जो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, देखो राजनीतिक जो तौर तरीके हैं, विधानसभा चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव, हर एक लोकतांत्रिक प्रणाली में हम लोगों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से निकल कर आना होता है और कहीं ना कहीं मेरी तैयारियां मात्र चुनाव जीतने को लेकर नहीं है, बल्कि लोगों के कार्यों को मैं सही ढंग से अमली जमा पहना सकूँ, उन्हें निस्तारण कर सकूँ, इस तरफ मेरा मुख्य फोकस रहता है। और जब आदमी कोई कार्य करता है और वो कार्य अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के लिए हो रहा है, तो उनको स्वयं में निर्णय लेना है। और मेरा ये कोई 2022 का चुनाव है तभी तैयारियां, ऐसा नहीं है, मेरी लगातार तैयारियां हैं और मेरा चुनाव हर दिन है। मैं हर दिन चुनाव किसी और से नहीं बल्कि खुद से लड़ता हूँ और मुझे खुद से बेटर करना है, जो मैं पूर्व से कहता आया हूँ, और अपना बेस्ट करेंगे, बाकी जनता जनार्दन को देखना है और वो सब देख रही है। We'll be right back.